हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक संजय शर्मा नरसिंहपुर जिला की सीमा प्रवेश पर तेंदुखेड़ा विधानसभा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एवं तेंदुखेड़ा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। हजारों की संख्या में कांग्रेस एवं भाजपा के कार्यकर्ता स्वागत के लिए फूलमालाएं लेकर खड़े रहे। उनके काफिले के साथ लगभग 500 गाड़ियां साथ चल रही थी एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता साथ रहे, जिससे समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। बताएगा होगा इस क्षेत्र के सांसद बोल रहे हैं कि किसी राजनीति के शिकार हुए हैं, किसी सोशल मीडिया और जो षड्यंत्र के शिकार हुए हैं, इस मामले में आप क्या कहेंगे? मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है, न कोई षड्यंत्र मेरे साथ कोई शिकार हुआ, तो मैं कोई बच्चे नहीं शिकार हो जाऊँ। मैं समझदार हूँ, 3 चुनाव लड़ चुका हूँ, 2 चुनाव जीता हूँ। सबसे बड़ी जीत यहाँ की 45,000 की हमारी थी। ये क्षेत्र की जनता ने तेंदुखेड़ा का हम जीवन पर्यंत कर्ज नहीं पटा पाएंगे। यहाँ पर निर्भोज नगर पंचायत बनाई है। पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ के रहने वाले लोग कितने महान है कि इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज पूजा करते तो कम होता। विधायक जी ने निर्भोज नगर पंचायत पूरे पार्षद बनवाए थे, उन्होंने इसका ध्यान नहीं रखा। मुख्यमंत्री तेंदुखेड़ा आया और एक बार धन्यवाद तेंदुखेड़ा की जनता को नहीं दिया। उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बार बार बोला कि इस गांव के लिए कुछ थोड़ा बहुत कर जाओ, लेकिन उनके मन में विचार नहीं आया। इसके लिए सांसद ने मना किया था, इनको आप कुछ नहीं देना, आने वाले बार हम देखेंगे जहाँ कुछ करना वो करेंगे। ये हेलीकॉप्टर साथ में बैठ के वहाँ से आए थे। विधायक जी, खुद के पैसे से, खुद की जमीन से आपने स्टेडियम बनाया, आपने अस्पताल बनाया, आपने इतने काम किए दिन रात, आप गांव गांव गए, बावजूद इसके जिस पार्टी के लिए आपने किया, कैडर बेस पार्टी कही जाती है, उसने बदले में आपको ये दिया, तो दर्द होता होगा? यही तो कैडर बेस है, देख लो कौन सा बेस है, झूठ बेस है, कैडर बेस है, कौन सा बेस है, पता होगा। शिवराज सिंह के व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं? उन्हीं के व्यक्तित्व में तो होटल महसूस कर रहे, जब तो पार्टी छोड़ के यहाँ पर आए, वहाँ सांसद जी के साथ थोड़ी हम पार्टी में, सांसद तो कल पार्टी में आए थे। एक सवाल और की अब क्या आगे? आगे भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ मेरी पहुँच होगी वहाँ जाके इनको हराने का काम करेंगे। कांग्रेस का परचम लहराए रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, ये 4 जिला हमारी कनेक्टिविटी में है। इनमें हमारा आना जाना रहता है, यहाँ के लोग हमारे संपर्क में हैं, यहाँ के लोगों से हमारा मिलना जुलना है और यहाँ के लोग भी उतने दुखी जितना मैं दुखी हूँ। एक मतदाता दुखी है, भ्रष्टाचार की चरम सीमा लांघी है, जंगलों में काम कराए गए हैं, जहाँ पब्लिक सेफ्टी में काम नहीं कराए गए हैं। इन सीटों पे हम जाके विधानसभा चुनाव फाइट कर रहे हैं।